एक रुपये का शर्ट और दो रुपये का पैंट और 50 पैसे का चप्पल पहन के मैं चल देता हूँ शादी का इन्विटेशन देने, वो भी 80 रुपये वाला बाइक से, वो भी देसी स्टाइल में। शादी का इन्विटेशन देने के लिए जा ही रहा होता हूँ कि रास्ते में मेरे को याद आ जाता है कि मेरा न्यू ATM पे पिन जनरेट करना है। फिर क्या था, अकाउंट में 1 भी रुपया ना होने के कारण भी मेरा अंदर ऐसा क्या चुल मची होती है भाई जो मेरा ATM का पिन जनरेट करना है। फिर मैं जहाँ पहुँचता हूँ नजदीकी ATM सेंटर, जहाँ पर दिखाता है आउट ऑफ सेंटर। फिर क्या था, मन को दुखी करके मैं निकल जाता हूँ वहाँ से शादी का इन्विटेशन देने के लिए। शादी का इन्विटेशन देने के लिए जा ही रहा होता हूँ कि रास्ते में एक सुंदर सा मंदिर पड़ता है, जहाँ पहुँचते ही मन को बहुत सुकून सा महसूस होता है। फिर मैं आगे निकल जाता हूँ शादी का इनविटेशन देने के लिए। फिर शादी का इनविटेशन देके मैं घर के लिए रवाना हो जाता हूँ, तभी मुझे रास्ते साइड में एक नाश्ते वाला स्टॉल दिख जाता है, जहाँ पर कुछ जलेबियां मैं खरीद लेता हूँ, उसके बाद घर के लिए आ जाता हूँ। तो आज का वीडियो से हमें यही सीख मिला कि रास्ते साइड में कोई सा मंदिर दिखे तो माथा जरूर टेक लेना चाहिए, और नाश्ते वाला स्टॉल देखे तो घर के लिए जरूर नाश्ता ले।